आज भी ब्लॉग शूट करने के लिए सुबह के 4:30 बजे उठे हैं। तो अब देखिए गाड़ी तो निकाल लिया है, सुबह 4:30 बजे रोड पे चलते रहते, रोड का क्या सीन है, तो फिर आप उसके आगे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रोड पे कितना ज़्यादा सन्नाटा है अभी, और सुबह ठंड भी लग बहुत ज़्यादा ठंड भी है। अभी की देखिए हम लोग को सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही लोग देख रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं, अच्छा अच्छा आप लोग को वीडियो भी दिखाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए ब्लॉग चलिए जैसा भी होता है आप लोग को दिखाते हैं। मौसम अच्छा है, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं हम लोग दशाश्वमेध मतलब गदौलिया पहुंच गए हैं दशाश्वमेध वाले रोड पर, और पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और हम लोग भी चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, अब आगे का वीडियो जो ऐसा होगा घाट का वैसा आप लोग को दिखाया जाएगा। तो वीडियो शूट करते हुए हम लोग सुबह सुबह आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत हो रहा है कि आप सब लोग के लिए इतना मेहनत है कि सुबह सुबह वीडियो हम लोग को शूट करना पड़ा जल्दी जल्दी यहाँ के। भीड़ देखिए, और बहुत क्योंकि फेस्टिवल भी तो बड़ा है छठ पूजा का, तो हम लोग को वीडियो शूट कर रहे सुबह 4 बजे आए हैं, तो अब देखते हैं भीड़ भी देख रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा है, अच्छा खासा भीड़ है। चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड आप लोग टाइम देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, और इस टाइम पे हम लोग दशाश्वमेध घाट पे पहुँच चुके हैं बस ब्लॉग शूट करने के लिए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड है लग रहा है ठंड मुझे भी। और देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग पूजा करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और घाट पे दशाश्वमेध घाट पे हम लोग आ चुके हैं, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग दशाश्वमेध घाट का सीढ़ी उतर रहे हैं, अब देख रहे हैं कितना श्रद्धालुओं का कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है सुबह सुबह। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं माला फूल भी बिक रहा है, मतलब शुरू शुरू से पूजा हो रहा है। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग इस ठंडी में भी सब लोग पूजा करने के लिए भीड़ में श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और भीड़ देख रहे कितना ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस बार आए हैं, क्योंकि इस बार छूट मिला है तो लोग पूरे मन से और पूरे धन और तन से पूजा कर रहे हैं। और बन्नी कैसा लगा पूजा करके यहाँ पे? तो गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना श्रद्धालु आए हुए हैं दशाश्वमेध घाट पर, हम लोग भी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, मतलब कहीं भी पैर रखने का मुझे जगह मिल नहीं रहा है, भीड़ इतना ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो आप ऑटोमेटिक आप खुद ही आगे बढ़ते रहोगे, इतना यहाँ पे धक्का लगा हुआ है, सच बता रहा हूँ मैं गाइस, इसमें तो झूठ नहीं। देखिए यहाँ पे ये लोग आंटी लोग पूजा कर रही हैं, या कितना सुंदर लग रहा है ये एक लाइन से शाम के टाइम, मतलब भोर के टाइम में ये, वाह क्या नज़ारा है ये, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं ब्लॉग बनाने के नियत से तो आया था गाइस, लेकिन मुझे भी यहाँ पे अब अच्छा लग रहा है, और मतलब दर्शन मैं भी यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ दशाश्वमेध घाट, बनारस में रह के भी मैं दर्शन नहीं कर पाता। और ये देखिए ये तो पूरा पीढ़ी किले के लेके चले आए हैं, पूरा किले का पीढ़ी लेके आए हैं ये लोग। दौरा
देख रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर पूजा के लिए। आप भी देख सकते हैं, वीडियो शूट करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है, किसी का भी आप वीडियो शूट कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, बस आप लोग को दिखाने के लिए ब्लॉग शूट किया जा रहा है, बहुत दिक्कत से जितना हो रहा है उतना शूट कर रहा हूँ आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग, हम लोग यहाँ इस समय है दशाश्वमेध घाट पर, और यहाँ पर तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, ब्लॉग शूट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग मजे करिए, ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है अभी, तो मतलब घाट पर इतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इस समय सुबह के 6:15 बज चुके हैं, और सूरज भगवान का बस वेट हो रहा है, अब वो आए तो उनको जल सब लोग समर्पित करें और पूजा को शुरू करें। आप भी देख सकते हैं कितना यहाँ पर सूरज भगवान निकल चुके हैं, देखिए श्रद्धालु ठंडे पानी में नहा रहे हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं, और हम लोग उन लोग का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से सब लोग कोई ना कोई काम में मेहनत कर रहा है, और सूर्य भगवान उनको दर्शन देने का मेहनत कर रहा है। लोग ठंडे पानी में पूजा कर रही हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं मतलब ठंडे ठंडे पानी में। तो मतलब ये छठ का पूजा ऐसा होता है कि मतलब लिटरली गाइस पूरी फैमिली पूजा करने के लिए आती है घाट पर, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ उसी तरह। आप लोग यहाँ पे छठ पूजा स्टार्ट हो चुका है, नारायण देवता निकल चुके हैं, और यहाँ पे देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं अपना, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये है छठ पूजा का पूरा भीड़ भाड़ यहाँ पर है, दशाश्वमेध घाट मेन दशाश्वमेध घाट है, ये भीड़ देख रहे हैं आप लोग। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितना मतलब कितना ज़्यादा ही भीड़ है, भीड़ देखिए, और
तो फ्रेंड्स छठ पूजा सबका तो हो चुका है, अभी बहुत लोग बाकी है, बहुत लोग कर रहे हैं, हम लोग सबका तो नहीं लेंगे ना ज़्यादा, हम लोग को तो काम है भी। तो यहाँ छठ पूजा तो सबका हो चुका है, हम लोग की ब्लॉग शुरू हो चुका है, जितना भी ब्लॉग शुरू हुआ है बहुत मेहनत से शुरू हुआ है, बहुत धक्का धक्का शुरू हुआ है, और मेरा आईफोन भी ख़राब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ब्लॉग शुरू हुआ है आप अपना देखिए, और जितना भी शूट हुआ लेकिन अच्छा ही शूट है, कोई ख़राब शूट वीडियो हुई नहीं है। तो आप लोग छठ पूजा का एंजॉय करिए, देखते रहिए मेरे चैनल पर, नए तो सब्सक्राइब करते रहिए बस, और आपका प्यार इसी तरह रहेगा तो हम लोग भी इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, आगे ब्लॉग शूट करते रहेंगे। तो ये ब्लॉग छठ पूजा का है, तो इसमें इंजॉय करिए छठ पूजा का। आज मेरा दो ब्लॉग आएंगे, एक डेली ब्लॉग रहेगा और एक छठ पूजा का। तो छठ पूजा का एक डेढ़ घंटे दो घंटे में मैं अपलोड कर लूँगा एडिटिंग करके, कुछ जाने के बाद हुआ है बहुत अच्छा ब्लॉग हुआ है कि नहीं। हम लोग सुबह कितने बजे को उठे? 3 बजे का उठे, 3 बजे से उठे, 3 बजे मतलब घर छोड़ गए थे, यहाँ से निकलने 4 बजे, 4 बजे तो ट्रैफिक व्राफिक मिलती हुई, तो हम लोग टाइम लगा आते थे। बहुत मेहनत हुआ वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगा भीड़ देते आप, और सबसे पूरे भीड़ से आगे आके खड़ा भी होना पड़ रहा है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धक्की धुक्कम ब्लॉक है। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस वीडियो तो शूट हो चुका है, ब्लॉग भी शूट हो चुका है पूरा, आवाज़ थोड़ा आप लोग को धुमा रहा होगा, क्या होता नहीं तो हम लोग यहाँ पे ही ब्लॉग भी शूट कर लिया और प्रसाद भी ले लिया। तो वीडियो शूट हो चुका, ब्लॉग शूट हो चुका है छठ पूजा का, हम लोग यार वापस जाते समय भी मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है, लिटरली गाइस बता रहा हूँ मैं कि इतना ज़्यादा भीड़ था, वीडियो शूट करने में मुझे इतना दिक्कत हुई, इतना प्रॉब्लम हुआ, लोग इधर से धक्का मार रहे हैं, कोई इधर से धक्का मार रहा है, सबसे खाली पूजा करने की जल्दी था, सामने वाला फोन क्या कर रहा है उससे जल्दी नहीं था, मतलब सूर्य ज़्यादा उगे नहीं कि पूजा करना सबको स्टार्ट। अब बनाने में भी दिक्कत है कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप कैमरा सामने क्यों बकर बकर कर रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं गाइस, बहुत लोग, तो इसलिए मैं उनको नोटिस ही नहीं करता हूँ, मतलब अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, मैं सिर्फ आपसे बात करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, वरना सबको देखता रहूँगा तो इसी तरह होगा मुझे अनकम्फर्टेबल। अभी तो गाड़ी पार्क में लगाया हुआ है, पार्किंग से गाड़ी निकालते पहले, फिर वापस जा रहे हैं, साफ सुथरा ड्राइविंग कर रहा हूँ, अच्छी ड्राइविंग कर सकता हूँ, makes me feel like I